चलो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन फ्री स्पेस चार्ज क्यू गिवेन है। अब किसी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल आपको फार्मूला याद है, अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर के इक्वल होता है, बराबर है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा 1/4πε0 उसकी वैल्यू दे रखा है, और इसकी जो वैल्यू है वो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू मल्टीप्लाइड बाई 10^11 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर फील्ड देखूंगा, इस पॉइंट पर फील्ड, अगर ये डिस्टेंस आर है और ये चार्ज क्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड का, फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर। अभी जब सिंपलेस्ट में लिखूं तो वी ओवर आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे पोटेंशियल यहाँ पे फील्ड चाहिए तो मैं 1/r की वैल्यू लेके आऊँ, क्योंकि पोटेंशियल दिया हुआ है, तो 1/r यहाँ से निकल जाएगा, q ने q को ख़त्म कर दिया हो, तो 1/r की वैल्यू आ जाएगी 4πε0 10^11। दिस इज द 1/r। तो ये वैल्यू लाके मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे फील्ड पता चल जाएगा। तो फील्ड इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू पोटेंशियल, वी की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, वी इज इक्वल टू 10^11, और ये आ जाएगा 1/r 4π 1/r की वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 1/r की वैल्यू है तो 4πε0 और ये 10^11, तो कुल मिला के 4πε0 क्यू इंटू 10^22। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, 4πε0 क्यू 10^22, दैट इज सी ऑप्शन सही है।